going to be welcoming none other than Vikas Behl, Shahid Kapoor, and Alia Bhatt right here in the next few seconds. The wait is now over. And what are we here for? You're going to get to know in just a bit. We have them telling you themselves. So let's welcome none other than Alia Bhatt, Shahid Kapoor, and Vikas Behl. Good morning, everybody. How are we doing? Good morning. Some people are still waking up. Wake up, wake up. We're going to launch a song, people. Vaji, you set. Yes, you set. Afternoon. Noon. Noon. Afternoon will be afterwards. So, we are here to launch this song called Raita Phail Gaya. And this is a song that we will all launch together because... Actually, the thing is... For the first time ever, y'all are going to decide which song we launch. For the audience, which video we launch. We have two versions. And you will decide because you are so intelligent, and so good, and so sweet, and we trust you so much, with your knowledge. So, Vikas, now you will continue the next statement. We will go in turns. So, you have enough confused. So, after that. Basically, we decided... कि हम सब तो एक ही टीम है तो हम सब मिलकर कभी कभी डिसीजंस क्यों नहीं लेते. तो यहां पे क्या हुआ, पिछले एक हफ्ते में हमने रायता फैल गया के दो वीडियो बना दिए. अब वो दो वीडियो जो हमने बना दिए तो हमारे आपस में तो फुल डिवाइडेड हाउस हो गया कि पहला चलाएं कि दूसरा. सो देन वी केम अप विद दिस ब्रिलियंट आइडिया कि इन्हीं लोगों को क्यों नहीं डिसाइड करने देते कि कौन सा वीडियो चलाएं. तो हम आप लोग को दो ऑप्शंस दिखाएंगे. अच्छा, इनके पास मैं पूछना चाहता था आपसे, बिकॉज मैं भी क्लियर नहीं हूं इस बारे में, कि आपके पास एक पर्ची आने वाली है उसमें आ गई तो समझ गए आप लोग. सीक्रेट बैलेट है बाय द वे. हाँ, ओके, बताना नहीं बाजू वाले को. बट वो जो आपको ऑप्शन वन और ऑप्शन टू है, डू दे हैव द ऑप्शन ऑफ टिकिंग बोथ? दे हैव द ऑप्शन ऑफ टिकिंग इन द सेंटर. अगर दोनों अच्छी लगे तो सेंटर, दोनों अच्छे लगे तो बीच में आप टिक कर दो कि हमको दोनों देखने हैं, तो फिर हम कंसिडर करेंगे कि दोनों रिलीज करने हैं. बिहार इलेक्शन में ये अलाउड नहीं है, पर यहाँ पे अलाउड है. Because and then obviously if you like option one or option two, तो option two. फिर हम count करेंगे and then we'll decide कि आप लोगों ने क्या decide किया है. तो जिसको नहीं पता था कि ballot क्या होता है, आज आलिया ने सबको explain कर दिया. Come. मैंने explain किया. चलो. So now first we will see option one. ठीक है, तैयार हो? Let's go. चलो मिलके रायता फैलाएंगे. वो आप सबके पास pen वेन है ना? हाँ, सब है ना, सब तैयार है. Okay. नहीं, ये सब photo वोटो भी सबको देना चाहिए ना, सबको. सबको. आपको नहीं दिया? दिया दिया दिया. पीछे वाले लोगों के पास है, आप लोगों के पास है. ओके, थैंक यू. सबको देना है, आप लोग तो मेन हो. अरे सीक्रेट बैलेट है. ओके ओके, तू पढ़ा लिखा नहीं है क्या? टिक मार करना. सीक्रेट बैलेट है. अभी अभी सब लोग ऑप्शन वन ऑप्शन टू या बीच में टिक कर दो. कम ऑन, लेट्स गो. हो गया. ओके, द रिप्रेजेंटेटिव सिंपल करते हैं, सिंपल करते हैं, सिंपल. गाइस गाइस, शांति. जब तक वो कलेक्ट करें, एक सवाल पूछते हैं. जो भी नंबर वन के लिए बोलना चाहता है पहले जोर से चिल्ला दो नंबर वन. और अभी नंबर टू. अच्छा ठीक है, ठीक. वील टेक इट. फिर भी अकाउंट लेना पड़ता है, तो दे दो, सब दे दो. ओके, द बॉक्स इज राइट. दोनों रिलीज कर दें? नहीं, दोनों रिलीज कर दो. मेरे मन में तो है दोनों रिलीज कर दो. जस्ट कलेक्टेड, ये भी अच्छा है. तो जिसको दोनों चाहिए वो बीच में टिक मार्क कर दो. हाँ, दोनों बीच में ऑप्शन वन ऑप्शन वन ऑप्शन टू ऑप्शन टू. ओके, और फिर बीच में हम लोग बातें करेंगे. कलेक्ट कलेक्ट फ्रॉम एवरीबॉडी एंड पुट इट इनसाइड ना. सब ले लो. उसका वो ऐसे हिला रहा है वहां से, दे दो उसका, ले दो. सॉरी, वो पेपर हिला रहा है, दे दो. Members of the media, box is right here. Please, जो भी ऑप्शन आप टिक करना चाहते हैं वो टिक करके यहाँ पे डाल दीजिए. And we also starting the Q&A session. So if you have questions, this is a damn good holding. This na actually.
love it. It's fab. Photo lena hai pehle. Okay, तो अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे. काउंटिंग हो रही है, क्या रिजल्ट होगा पता नहीं. अगर हमको पता होता तो आप लोग के पास थोड़ी आते. एग्जैक्टली, मैं भी कंफ्यूज्ड हूँ. बहुत कंफ्यूज्ड है, जेन्युइनली कंफ्यूज्ड हूँ. हमने सोचा वैसे भी बाय द एंड ऑफ इट आप ही लोग सब डिसीजन लेते हो, तो इस बार शुरू में इन्वॉल्व कर लेते. बट इट्स अ कूल आइडिया बिकॉज आई थिंक It's a very good idea, no? Hip hip. This is Vikas's idea. No. Vikas. This one, no. अरे सब बिचारों का credit लेते. This is Siddharth, Ranjan, all these people decided. Siddharth, and Ranjan. Siddharth, Ranjan. I just really supported them. Because they always say it's your idea. Every idea is always your idea. Vikas had an idea. मैं उनको set करके रखा. Exactly. कुछ भी सोचो बाद में बोल देना विकास ने सोचा था. सर एक्चुअली मैं बहुत कंफ्यूज हूँ. मुझे दोनों अलग अलग वजहों के लिए अच्छे लगते हैं. पहला वाला मुझे ऐसा लगता है दैट आई रियली एंजॉय. एक्चुअली ये गाना जब हम लोगों ने शूट किया था वीडियो, तो एक्चुअली कोई कोरियोग्राफी है ही नहीं. अगर आप देखो पूरे गाने के अंदर मैं और आलिया सिर्फ बकवास कर रहे हैं, लिटरली हम लोग रायता फैला रहे हैं. तो मुझे अच्छा ये लगता है कि इवन दो हम लोगों ने रबिश किया, फिर भी यू नो इट लुक्स वेरी समहाउ इट लुक्स वेरी एंटरटेनिंग एंड वेरी फन एंड रियली नाइस. And I think that's one of the nicest things about me and Alia, कि हम लोग कुछ भी उल्टा सीधा करते हैं तो somehow ठीक ठाक लग जाता है. Somehow, I don't know how that happens. तो पहला वाला मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसके अंदर काफी सारा रबिश है. दूसरा वाला मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगता है बिकॉज फिल्म अब एक हफ्ते में रिलीज होने वाली है और उसके अंदर फिल्म के काफी सारे विजुअल्स हैं और हमने अब तक फिल्म को लार्जली मेरे और आलिया के साथ ही प्रमोट किया है. वी हैव बीन द फेस ऑफ द प्रमोशंस. बट अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फिल्म के अंदर बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो बहुत ही एंटरटेनिंग हैं, बहुत ही मजेदार हैं. तो उनका उनकी एक झलक देखना और उनको बकवास करते हुए देखना और उनको रबिश करते हुए रायता फैलाते हुए देखने में एक अलग तरीके का मजा है. और आई थिंक इट हेल्प्स द स्केल ऑफ द फिल्म ऑल्सो बी सीन बिकॉज द फिल्म हैज बीन शॉट वेरी ब्यूटिफुली. तो काफी ब्यूटिफुल शॉट्स हैं, इसलिए शायद बहुत सारे लोगों को सेकंड वाला अच्छा लगा. तो आई लाइक बोथ फॉर डिफरेंट रीजंस और हम सभी उस कंफ्यूजन में हैं, इसलिए हम लोग आपके पास जेन्युइनली, दिस वॉज नॉट जस्ट अ प्रमोशनल एंटिक, जेन्युइनली हम लोग कंफ्यूज थे कि यार कौन सा वाला बेटर है. जेन्युइनली एवरीबॉडी फेल्ट दैट वी शुड आस्क यू गाइज एंड सी विच वन यू गाइज प्रिफर. या वो वाली फीलिंग, वो वाली जो दिखाया ना वीडियो में, जब ऐसे ऐसे इट लाइक व्हेन वी वर डांसिंग, जो है जैसे कि शायद ने कहा कोई कोरियोग्राफी नहीं थी, सब स्पॉन्टेनियसली वो हो रहा था. एंड दिस इज बिन माइन शायद फेवरेट सॉन्ग बिगिनिंग से ही. जब ये कंपोज ही होता हम सुन के मतलब हमेशा लाइक वी टू गो क्रेजी डांसिंग. तो वो वाली जो फीलिंग आती है ना, कैसे वर्ड शब्द नहीं है मेरे पास, मुंह से बोलूं. आज लंच ब्रेक में रायते का एक ऐसा लेना, एक मस्त डोंगा सा, एक डोंगा लेना और उसको टेबल को ऐसे टाल देना, उल्टा कर देना, फिर हाथ से ऐसे फैला देना. तो वो जो फीलिंग आई ना, वो वाली फीलिंग गंदी सी कि मैं क्या कर रहा हूँ बट अच्छा लग रहा है, वो होता है रायता फैल गया. रायता फैल गया, जैसे आपने बोला कि मतलब ये रायता फैल गया यार, पर ऐसे भी तो ये रायता फैल गया यार दो टाइप का हो सकता है. तो एक्चुअली रायता फैल गया इज लाइक वेरी यू नो लाइक व्हाट शुड आई से, इट्स अ वेरी मैं आई एम नॉट फाइंडिंग वर्ड्स फॉर ये वर्ड सारे नहीं बताऊं. आज कब रायता फैला यहां पे, एक लड़का वो पर्ची लेके ऐसे ऐसे कुछ कर रहा था और फिर आलिया ने कुछ ऐसा कमेंट मारा था उसको, उसको बोलते रायता फैल गया. ये प्रमोशन कर करके सब ऐसा ऐसे आ रहे, अभी ऐसा एकदम ऐसे आ रहे बिना नींद के, तो ऐसे ही होता है, फिर मुंह से कुछ भी निकल जाता है. दिस इज कॉल्ड रायता फैल गया. या जब आपने शायद के जूते को सेक्सी बुलाया था सैंडल, और फिर
सैंडल को सेक्सी बुलाया था और आप बहुत फेमस हो गए अभी ट्विटर पे। ओ मेरी सैंडल लागे सेक्सी। सेक्सी भी नहीं बोला था तूने, सेक्सी बोला था। सेक्सी के अंदर फीलिंग होती है दादा, सेक्सी। वो रायता वाली फीलिंग है, हार्ट टू हार्ट। व्हाट इज इट लाइक? गाने की सिचुएशन ऐसी है कि वो उनका कैरेक्टर एक अकेला कैरेक्टर है कि जितने भी लोग नाच रहे हैं अगर आप देखो तो जब व्हेन आई एम अराउंड हिम ही इज नॉट डांसिंग, क्यों उनकी मेरा वो ठसन है फिल्म के अंदर, तो जब मैं चला जाता हूं तो वो अकेले डांस करते हैं बिकॉज ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू डांस, बट उनके साथ ऐसा डांस करने का मौका नहीं मिला। बट उन्होंने और आलिया ने क्या है, क्या है, रिजल्ट आ गया, एक सेकेंड, क्या सीन है, कुछ समझ में? ओ मतलब बाय यूनैनिमस डिसीजन द विनर इज ऑप्शन टू। सो द रिजल्ट इज 23 हैज सेड ऑप्शन वन, 23 ऑप्शन वन, 54 हैज सेड ऑप्शन टू और 14 हैज सेड बोथ। सो बेस्ट टेक्निकली अगर 14 को हम 54 में 14 और 24 को ऐड करें, नहीं 54 में तो बाय मेजॉरिटी 68, ये तो मोदी गवर्नमेंट है, 68 टू 38 की विक्ट्री। सो ऑप्शन टू मार्केटिंग टीम, अब क्या करें हम लोग? ऑप्शन टू रिलीज। अरे कोई रिलीज करने वाला कोई है यहाँ पे? जो 23 है जो बोल रहे हैं कि ऑप्शन वन भी अच्छा है, दोनों रिलीज करें, दोनों रिलीज करें। अच्छा ना, पहले दूसरा वाला रिलीज कर देते हैं फिर दोनों करें, सब लोग दोनों कह रहे हैं, दोनों सेकंड, दोनों नो नो दोनों, यू आर ओनली डांसिंग, दोनों दोनों सेकंड ऑप्शन। सो डेफिनेटली हमें सेकंड ऑप्शन अभी जहां पे भी उसको रोक के रखा हुआ है उसको रिलीज कर दो वहां से ऑनलाइन विद फैमिली। अच्छा लगा, आप लोगों को क्या लगा सर जो आपने सपोर्ट किया है? दो नंबर, सब लोग दो नंबर कह रहे हैं। चलो लेकिन जिन लोगों को पहला भी पसंद है उनको डिनाई नहीं करेंगे, उनको डिनाई नहीं करेंगे, पर विल सी व्हाट वी डू बाद में पिक्चर रिलीज के बाद, नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते, ठीक है। सो नंबर वन वाले क्योंकि आप इतने अच्छे हो आपके लिए भी हम रिलीज करेंगे, पर नंबर टू वाले क्योंकि सेकेंड इज द बेस्ट, सेकेंड इज वन और सेकेंड रिलीज होगा आज, हाँ इन हाफ एन आवर। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू, इसीलिए तो आपके पास आए सर। हाँ सर आपका तो नाम शानदार, हमने अपना नाम नहीं डाला है, आप बोल रहे हो आपका नाम डाल दो, काम करो आप पूरा फैमिली ट्री का ही भेज दो, हम लोग साइड में ऐसा टिकर रन करते रहेंगे, फादर ऑफ, सन ऑफ, दादा ऑफ, परदादा ऑफ, राजा महाराजाओं के भी नाम आ जाएंगे वहां पे। हाँ ओनली में सर ये इवेंट ही हमने बोला है दैट द मीडिया इज गोइंग टू डिसाइड, इससे ज्यादा क्रेडिट आपको क्यों चाहिए? हमारा भी एंड क्रेडिट में नाम आता है, डायरेक्टर ने अपना नाम नहीं डाला है, आपको नाम डाला है। बट आप हमारे दिल में हो, हमने डाल दिया है नाम। वाह देखो ऐसे ही हीरोइन जो ना बड़ा सही डाला। गुलजार की ये लाइन, गुलजार वो वाला, पर उन्हों ये मेल आवाज में गाया था तो मैं उस अंदाज से गाऊं या सुरीले अंदाज से? मैं नीचे से आपको बेस देता हूं, आप गाओ गुलजार, मैं करता हूं आप गाओ, माइक नहीं चाहिए, यू सिंग हाई आई विल सिंग लो, वो वाले वाइब में ना, यू टू डाउनलोड विद मी, व्हाट डू आई टू डू? हां साथ में करेंगे ना, हां क्या करना है? गुलजार 1 2 3 गुलजार के गीतों में जब यो यो हनी सिंह घुस गया तो रायता फैल गया, कि रायता फैल गया, कि रायता फैल गया, फैल गया रायता, फैल गया, डू दैट थिंग, हंगामा सॉरी अच्छा लगा ना वो लाइन, मेरा फेवरेट लाइन है, इट्स माय फेवरेट लाइन, बहुत अच्छा है। जब गुलजार के गीतों में यो यो सिंह घुस गया तो रायता फैल गया। नहीं वो
दूसरा उसका दूसरा मसाला है. उसका मतलब ये है कि दो बहुत अलग अलग जॉनर्स हैं. गुलजार साहब का एक क्लासिक जॉनर है, हनी 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 सिंह का एक एकदम आउटस्टैंडिंगली पॉपुलर पार्टी जॉनर है. तो जब ये बहुत ही अपोजिंग जॉनर्स को आप साथ में मिला देते हो तो ऐसा लगता है जैसे रायता फैल गया. तो दैट्स द नेचर ऑफ दिस सॉन्ग. मजा आ गया, साइकोटिक चीजें, मजा आ गया. करेक्ट ना? मजेदार एनर्जी दिखाई है गाने में. अच्छा, आपने मजेदार नहीं कहा, मैंने बस ऐड किया है. ऐसे एनर्जी कहां से लाते, कहां से लाते हो तुम? शायद ये मेरे पास ये रिचार्ज बैटरी है जो इस पूरे प्रमोशन में मुझे जब भी चार्ज की जरूरत होती है मुझे ऐसे टच कर देती थी, मैं रिचार्ज हो जाता हूँ. तो बस इसके पास एनर्जी की कमी नहीं है, ये एनर्जी का भंडार है. और तो मेरी एनर्जी का कारण है आलिया भट्ट. अगर माइक दे देंगे वहां पे तो वन बाय वन सवाल पाएंगे. हाँ, इनको रिलीज भी हो रही है और अच्छी फिल्म गाना भी है, तो आप अपना फेस्टिवल अभी जो अभी पुराने वाला है दशहरा और दिवाली कैसे सेलिब्रेट करना चाहेंगी इस फिल्म इस टाइम? हाँ, अगले साल तो हम लोग आपके साथ बिताने वाले हैं फिल्म प्रमोट करते हुए. अंदर का रावण जला देंगे. सो शाहिद एंड आलिया, वेल शाहिद एंड आलिया ओवर हियर. सॉरी, दिस इज थोड़ा सा ये तरफ, एक सेकेंड. व्हाट इज हैपनिंग? बस आज हमने इन लोग को डिसीजन लेने को बोला. इधर बैठो, खड़े हो, गाना चलाओ मत चलाओ. समथिंग अबाउट समथिंग. शाहिद एंड आलिया ओवर हियर. हाँ, दिस इज आवर फाइनल सॉन्ग. This is the finale song. After this, we'll only see you in the theaters. Straight. We may surprise you, but I think you should go straight to the theaters now. Abhi, get blown away. It will say 22nd of October. You're loving it? Thank you. I mean, it's all Amit Trivedi and Vikas Behel, because Vikas wanted Amit to do something very, very commercial and he's really rocked it up. After almost walking out, remember, he told us, "Main nahi karna hai sab, tum kya kara rahe ho mere se." But then they've done an amazing job together. See, Amit killed it. Okay, Shahid and Alia, aap log raita phalane mein kaafi mahir hain. Raita phalane mein aap log kaafi mahir hain, aur you know, you guys are foodie person. Lekin aap foodie log, personal. Foodie person. Yeah, foodie persons. Foodie person. Yeah. We guys are foodie person. You are not foodie person. Yeah, you are drinky person. Too much drinky last night, baby. Okay. Foodie is also there outside. Otherwise, you get acidity. Okay, let's put. Okay. So, Shahid and Alia, आप लोग की personality काफी शानदार है. इस शानदार personality का शानदार राज क्या है? Foodie person. Your शानदार personality, drinky person. हेलो सर, इस शानदार रायते को आपने क्या शानदार ब्रिटेन में भी फैलाया है या इंडिया? किधर है सर आप? सर, हाँ सर, क्या कह रहे हैं आप? इस शानदार रायते को आपने सर इंडिया के अलावा कहाँ कहाँ पर फैलाया है? किसके अलावा? इंडिया के अलावा कहाँ कहाँ रायता फैलाया? अरे फिलहाल तो ये कमरे में ही फैला रहे हैं. आप लोग डिसाइड करोगे ये फैलाएंगे वो फैलाएं तो दुनिया को दिखाएंगे. कहाँ कहाँ फैलाने तक का विचार है सर आपका? पूरे यूनिवर्स में फैलाएंगे. आउटर स्पेस में रायता भेज दिया हम लोगों ने, धीरे धीरे डब्बे खोलेंगे. कल परसों आप देखोगे स्काई में ऐसा रायता फ्लोट हो रहा है. वो जो एक्चुअली मार्स में उनको जो मिला था ना स्नो, वो स्नो नहीं था, रायता था. टमाटर क्यूकम्बर ऐसा फ्लोट हो रहा है सब ऐसे ऐसे ही सवाल है तो निकलते. अच्छा आलिया, आज ही जो हमारे पास न्यूज आई है कि नाजिर हसन के ऊपर आप बायोपिक फिल्म कर रही हैं जो कि एक पाकिस्तान. नहीं, मुझे पूछा गया था नाजिर हसन, मुझे पूछा गया था कि अगर आप बायोपिक करना चाहोगी तो किस शख्स के ऊपर करना चाहूंगी. देन आई गिव दिस नेम बिकॉज वो एट द टॉप ऑफ माई माइंड, वो मुझे एक सब्जेक्ट और स्टोरी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा. तो मतलब करना चाहेंगे आप? आप बनाओगे सर? नहीं, मैं डायरेक्टर नहीं हूँ, डायरेक्टर आपके बाजू में. डायरेक्टर मेरे बाजू में. अभी तक तो कुछ बनाओगे? अच्छा, हो गया. थैंक यू आलिया. मीडिया लास्ट टू क्वेश्चन आलिया. रिसेंटली आपने एक चैनल के लिए शूट किया था, When we talk about Alia and IQ, उसको लेकर आपने एक टेलीविजन चैनल के लिए शूट किया था. तो
तो आप अपना मजाक खुद उड़ाती हैं, लेकिन जब which can you specify? You just recently shot where you are like याद करिए कुछ क्रिकेटर्स के नाम. करेक्ट. हाँ. Yeah. तब आप कहा जाता है कि मतलब आप खुद का जब आप मजाक उड़ाती है तो आप उसको स्पोर्टिंगली लेते हैं, जब बट मीडिया जब आपसे सवाल पूछती है तो आप थोड़ा चढ़ जाती हैं. कभी नहीं चिढ़ी हूँ मैं, मतलब एक साल से वो ही क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं, एक हर रोज मैं हंस के जवाब देती हूँ. आप नेवर एवर गॉटन इरिटेटेड. आप पूछ रहे हो भाई, फिर से पूछो. मैं बस बोर हो गई हूँ ऑनेस्टली उस सवाल से, बट अदरवाइज आई एम नॉट इरिटेटेड. देयर इज नथिंग टू गेट इरिटेटेड अबाउट. मैं अब यहाँ पे स्टेज पे कह रही हूँ, ये जोक्स की वजह से मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, सो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस जोक्स. थैंक यू. सिंगापुर में मेरे जोक्स लोग पढ़ रहे हैं. ओके. हाय विकास जी, इधर पे. विकास जी, सबसे पहला सवाल तो यही है कि पंकज जी को डांस कराना कितना मुश्किल था आपके लिए, क्योंकि हमने देखा उन्हें पहली बार इस तरह से मस्ती करते हुए डांस के तौर पर. जब वो शुरू हो गए थे तो उनको रोकना बहुत मुश्किल था. वो तो हमने एडिट कर दिया यहाँ पे. वो डांस शुरू हो गए, हम वेट कर रहे हैं पंकज जी रुकेंगे नहीं रुके. उन्होंने अपने सारे के सारे मूव्स एक ही साथ हमको दिखा दिए. बट ही वाज फैब. जैसे आपने वो एक स्टेप देखा, वो ऐसा एक डेढ़ घंटे का परफॉर्मेंस था और पूरा यूनिट वाज ऑन द फ्लोर लुकिंग एट हिम डांस. शायद आई ऑलवेज रेस्क्यू यू, टुडे यू रेस्क्यू मी. चलो मैं ऐसे आगे खड़ा हो जाता हूँ. कौन सिद्धार्थ भाई, कौन है ये सिद्धार्थ? हम नहीं जानते किसी सिद्धार्थ को. न्यूजीलैंड में तो हम डेफिनेटली किसी सिद्धार्थ को नहीं जानते भाई. सिड मार्केटिंग, सिड मार्केटिंग, ये भी मैं क्लियर करता हूँ. वेट, मैं क्लियर करता हूँ. सिड कम हियर. अच्छा, इसका शॉर्ट फॉर्म एसके है, तो तुम लोग और कंफ्यूज हो जाओ. आ जाओ, है ना. हिज नेम इज सिद्धार्थ. सिद्धार्थ ब्रो, टेल देम व्हाट योर फुल नेम इज. सिद्धार्थ कदम. नो, व्हाट योर फुल नेम? सिद्धार्थ मार्केटिंग. ये है सिद्धार्थ मार्केटिंग. ये धर्मा की मार्केटिंग हैंडल करते हैं. तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन. थैंक यू सो मच सिद्धार्थ. हम क्लियर करना चाहते थे क्योंकि लोगों के मन में कुछ अलग ख्याल चल रहे थे. तो ये है और बाकी हम किसी सिद्धार्थ को जानते नहीं. सॉरी. मैनेजर द मीडिया, थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चंस. इट्स फैंटास्टिक हैविंग यू हियर. प्रिंट मीडिया, just in case you'd like some pictures, we're open for the photo opportunity now. Thank you guys. Thank you so much. Because we really would have released the wrong version if you guys didn't tell us. We would have really released the first version. So thank you so much. Thank you for helping us.